गठबंधन को लेकर के दोनों ने उपचुनाव में अलग अलग निर्णय सोचिए, क्या कहना चाहेंगे? देखियो, ये तो होना ही था, थोड़ा देर से हुई है, लेकिन यही अगर चुनाव से पहले ये गठबंधन तोड़ता है और आदरणीय बहन जी मायावती जी ये पहले निर्णय किया होता तो आज यहाँ रामपुर में गणित अलग होता है, क्योंकि जो बुआ बबुआ के रिश्ता जो है वो तो टूट ही गया है, तो कैसे क्यों हुआ है ये वो जाने, लेकिन बात ये है कि बहन जी ये कह रही है कि उनके अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को वो जिता नहीं पाया, तो पूरी पार्टी में उनका लगाम जो है वो छूट गया है और पार्टी में कोई काबू नहीं है, तो इसलिए वो अलग चुनाव लड़ना चाहती है जो 11 सीट पे चुनाव आने वाला है। तो ये बात जो है दुनिया को भी मालूम है, आदरणीय मोदी जी ने इसके पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी दे दिया था कि ये 30 मई के बाद ये गठबंधन टूट जाएगी, तो वैसे ही हुआ है, ये मुझे पता है कि क्योंकि ये बुआ बहुआ का जो रिश्ता है ये सिर्फ स्वार्थ है और वो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना है और अखिलेश को सीएम बनना है, तो ये होता है ही नहीं, ये होगा भी नहीं। अच्छा, अगर रामपुर से गठबंधन प्रत्याशी नहीं होता, सपा बसपा अलग अलग रहते हैं, तो क्या भाजपा प्रत्याशी आप जीतती? बिल्कुल, क्योंकि सब लोग ये अफवाह फैलाया कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनने वाली है, तो इस तरह का जो हवा में जो बातें हुई है, तो गरीब लोग जो नादान लोग जो बिलीव करते हैं जो वोट देते हैं वो लोग ने सोचा था कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये तो अफवाह है ना, लेकिन जो बात है जो गठबंधन की बात है वो बात के वजह से नुकसान तो ज़रूर पहुँचा है।